मान लीजिए यहाँ पे फर्स्ट वाला जो एप्लीकेशन है इसके ऊपर मैंने अभी क्लिक कर लेता हूँ। इसी एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद एप्लीकेशन का डैशबोर्ड अभी ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड मेनू के अंदर आपको आ जाना होगा, सबसे नीचे आपको आ जाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐप कंटेंट, तो इसी ऐप कंटेंट के ऊपर आपको क्लिक कर देना पड़ेगा। ये है डाटा सेफ्टी का, ठीक है। मैं आपको पहले बता देता हूँ ये क्यों होता है। जैसे कि यूजर को आपको बताना पड़ेगा आप कैसे यूजर का डाटा कलेक्ट करते हो और कैसे उनका डाटा को शेयर करते हो, मतलब आप कैसे लेते हो डाटा, ठीक है, वो आपको बताना पड़ेगा। यहाँ पे स्टार्ट के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आ चुका है, हेल्प यूजर अंडरस्टैंड हाउ टू ऐप कलेक्ट एंड शेयर देयर डाटा। तो आपको बताना पड़ेगा कैसे डाटा आप कलेक्ट करते हो और शेयर करते हो। तो यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट करके स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा, डेफिनेशन वगैरह यहाँ पे जो भी आपको पढ़ना चाहिए। गाइज आप ये सब कुछ क्लियरली पढ़ सकते हो, इंग्लिश में पढ़ना अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हो गूगल ट्रांसलेट के जरिए में। तो यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे डाटा कलेक्शन एंड सिक्योरिटी, डज योर ऐप कलेक्ट और शेयर एनी ऑफ द रिक्वायर्ड यूजर्स डाटा टाइप। क्या आपका एप्लीकेशन में यूजर का डाटा कलेक्ट करते हो और शेयर करते हो, अगर करते हो तो इसके ऊपर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट इज ऑल ऑफ द यूजर डाटा कलेक्टेड बाय योर ऐप इंस्क्रिप्टेड इन ट्रांजिस्ट। क्या आपका एप्लीकेशन में जो डाटा आप कलेक्ट करते हो वो आप इंस्क्रिप्ट करते हो या नहीं, अगर करते हो तो इसके ऊपर क्लिक करना होगा, नहीं तो नो के ऊपर क्लिक करना होगा, ठीक है। डू यू प्रोवाइड ए वे टू यूजर टू रिक्वायर्ड डैट देयर डाटा इज डिलीटेड। थर्ड वाला जो ऑप्शन है इसमें बताया गया है कि क्या आप यूजर से जो डाटा कलेक्ट करते हो तो यूजर को रिक्वेस्ट कर रहे हो आपका डाटा डिलीट कर दिया जाएगा, ठीक है, अगर करते हो तो यस के ऊपर क्लिक करना होगा, नहीं तो नो के ऊपर क्लिक कर देना होगा। ये ऑप्शन तीनों सिलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना होगा। और मेरे ये जो एप्लीकेशन है एंटरटेनमेंट एप्लीकेशन है, इसमें मैं यूजर का कोई भी डाटा नहीं कलेक्ट करता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे नो के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे गाइज मैं यहाँ पे नो के ऊपर क्लिक कर लिया, अब देख सकते हो यहाँ पे नीचे जो डाटा कलेक्ट का ऑप्शन आ रहा था वो हट गया है, ठीक है। तो यहाँ पे नो के ऊपर हम क्लिक करने के बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे स्टोर लिस्टिंग और प्रीव्यू के अंदर आपको दिख जाएगा ऐप डज नॉट कलेक्ट और शेयर डाटा, ठीक है, हम कोई डाटा कलेक्ट नहीं करते हैं या शेयर भी नहीं करते हैं। जैसे लॉग इन साइन अप वगैरह होता है वहाँ पे डाटा कलेक्ट करना होता है, वो उसके लिए ये फीचर है, ठीक है गाइज। तो नेक्स्ट आपका प्राइवेसी पॉलिसी ऐड करे होंगे तो प्राइवेसी पॉलिसी यहाँ पे दिख जाएगा, अगर नहीं करे होंगे तो आपको प्राइवेसी पॉलिसी यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सेव के ऊपर फिर से क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पे फॉर्म अभी सबमिट हो रहा है। यहाँ पे फॉर्म सबमिट होने के बाद हमारा चेंजेस यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है, देख सकते हो यहाँ पे जो पांच ऑप्शन आ रहा था वो सब कुछ हमारा रेडी हो चुका है। फाइनली यहाँ पे ऐप कंटेंट के ऊपर वापस चलते हैं और जो जो हम स्टेप्स यहाँ पे कंप्लीट किए हैं वो स्टेप्स यहाँ पे देख सकते हो गाइज डाटा सेफ्टी के अंदर ये भी आ चुका है। इन फ्यूचर में अगर आपको इसके अंदर कोई चेंजेस करना होता है तो मैनेज के ऊपर क्लिक करके वो सब कुछ चेंजेस आप कर सकते हो। सिमिलरली गाइज आप दूसरे एप्लीकेशन के अंदर आप चेंजेस करने के लिए चाहते हो तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिए दूसरा एप्लीकेशन। नेक्स्ट आपको यहाँ पे ऐप कंटेंट के ऊपर क्लिक कर देना होगा। अगर गाइज इसके ऊपर कोई प्रॉब्लम हो रहा है आपको, आप कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई देने के लिए कोशिश करूंगा। अगर आपको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आप आपका प्रॉब्लम शेयर कीजिए स्क्रीनशॉट के साथ, हम आपको सही से प्रॉब्लम आपको सॉल्व कर सकें, ठीक है गाइज। जैसे जैसे मैंने आपको बताया उसी के हिसाब से आपको ये सारे कुछ सेटअप कर लेना होगा, ये करना बेहद जरूरी है। अगर आप नहीं करते हो तो गूगल को पता नहीं चलेगा क्लियरली आपका एप्लीकेशन में क्या क्या डाटा आप कलेक्ट करते हो, लेना पड़ेगा आपका सारे एप्लीकेशन के अंदर। अगर आप नहीं करते हो तो फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो गाइज आई होप आपको वीडियो प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। तो आज का वीडियो में यही था कि इन्फॉर्मेशन, मिलते हैं किसी नया वीडियो के साथ। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।